जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में हमारी 1000 टेस्ट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, उसी में हमारा ये अगला वीडियो है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ना है आपको। सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। तो व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपको कोई शंका लगती है, कोई कहीं डाउट लगता है, तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन, ट्विटर से जुड़ने के लिए भी आपको सुमित जैन सर्च करना है, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी टेक, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सेल्फ स्टडी क्लासेस जो चैनल का नाम दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल खुलेगा। चैनल खुलेगा और ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। जिस भी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक जरूर करना है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो हिंदी साहित्य का। अब दोस्तों, इसमें 4 विकल्प होंगे प्रश्न के, और एक विकल्प पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा नाटक ग्रीस कर्नाटक का है। फर्स्ट आपका विकल्प है तुगलक, हानूस, रस गंधर्व, कालामो। अब एक पर टिक करें और उत्तर सही बताएं आप, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीस कर्नाड। ग्रीस कर्नाड से आपका जो नाटक है वो कौन सा है, वो है तुगलक। तुगलक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखक कौन है। ग्रीस कर्नाड, सुरेंद्र वर्मा, विजय तेंदुलकर या फिर मणि मधुकर। तो 542 का उत्तर आपको 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल और हल्ला बोल ये क्या है, विजय तेंदुलकर साहब के नाटक हैं, ठीक है। तो 7 नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला है लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है। धर्मवीर भारती, चतुरसेन शास्त्री, शिव प्रसाद सिंह या फिर मोहन राकेश। लहरों के राजहंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है ये नाटक। प्रश्न क्रमांक 43, तो आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, मोहन राकेश। ये लहरों के राजहंस कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है मोहन राकेश इसके जो है लेखक के हैं। इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है। 544 का उत्तर लिखना है अंधा युग, उत्तर प्रियदर्शी, उलझन या फिर एक कंठ विस्पाई। दुष्यंत कुमार का नाटक बताना है इसमें से कौन सा है, तो 4 विकल्प में से चयन करें एक का, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 544 का, दुष्यंत कुमार जी का जो नाटक है दोस्तों वो है एक कंठ विस्पाई, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, कंठ विस्पाई। इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है। हबीब तनवीर जी का नाम आपने सुना होगा, इनका कौन सा नाटक नहीं है। आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर या फिर हल्ला बोल। 545 का उत्तर लिखना है हमें, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर डी यानी कि हल्ला बोल, डी नंबर ए हबीब तनवीर जी का नहीं है, ठीक है। अगला है दोस्तों, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका लिखा है, किसने लिखा है। ग्रीस कर्नाड ने, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी या फिर विजय तेंदुलकर ने। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाटक है, और ये नाटक किसने लिखा है, प्रश्न क्रमांक 546 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, सुरेंद्र वर्मा, ठीक है, वी नंबर। अगला देख लो, इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध रचनाकार कौन है। मन्नू भंडारी हैं, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या फिर सेठ गोविंद दास। नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 547, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही क्या होगा, धर्मवीर भारती, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, वी नंबर, वो यहां पर राइट आंसर होगा। स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है। मोहन राकेश की, सुमित्रानंदन पंत की,
शेठ गोविंददास या जगदीश चंद्र माथुर, स्नेह या स्वर्ग, इस नाटक की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 548। तब आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा सेठ गोविंददास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है, सेठ गोविंददास आपका सही हो जाएगा। उपेन्द्रनाथ तस्के के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? उपेन्द्रनाथ तस्के के किस नाटक में आपको बताना है समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? प्रश्न क्रमांक 549, कैद, उड़ान, अलग अलग रास्ते या फिर पैंतरे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अलग अलग रास्ते। अलग अलग रास्ते उपेंद्रनाथ अस्क के ये नाटक है और इसमें समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का जो है चित्रण किया गया है। किसमें? अलग अलग रास्ते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा निबंध है? निबंध बताना है आपको। राजा भोज का सपना, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यमपुर की यात्रा या फिर एक अनोखा स्वप्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 550। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अद्भुत अपूर्व सपना। ये किसका है? अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है, वी नंबर। अगला है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आत्म व्यंजकता, व्यंग, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण या फिर नवीन शैली। हरिश्चंद्र जी की बताना है आपको और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता मानी जाती है वो मानी जाती है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, सी नंबर। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टीरियो एडिशन कहा है? तो किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या फिर राम कुमार वर्मा ने? तो किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टीरियो एडिशन कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 552। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही होगा। बालकृष्ण भट्ट को स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन, ठीक है, हिंदी का एडिशन, हिंदी का स्टील रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। धोखा, बात और भौ निबंधों की रचना किसने की है? धोखा, बात और भौ निबंधों की रचना किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने? प्रश्न क्रमांक 553 का उत्तर बताना है। और धोखा, बात और भौ निबंधों की रचना जो की है वो की है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है, सा नंबर है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, विद्यानिवास मिश्र का या कुबेरनाथ राय का? यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, विचार किसका है? 554। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर वी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला है, निबंध का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको और शेयर कर देना है अपने मित्रों तक। यूजीसी नेट वाले, पीजीटी वाले, आरपीएससी और टेट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 555। तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? निबंध का जनक। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? निबंध का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है मोंतेन को। मोंतेन यानी कि फ्रांसीसी पुनर्जागरण के सबसे प्रभावी लेखक थे मोंतेन, ठीक है। इन्हें ही निबंध का जनक माना जाता है, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर सही होगा। किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली पर प्रहार किया गया? कुछ उतरे कुछ गहरे, शिव शंभू के चिट्ठे, बात बात में मात या फिर मेरा देश वापस लाओ? किस निबंध रचना में
तो आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक है 556 और 556 का उत्तर होगा शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, वा नंबर अगला देख लेते। महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग शैली प्रभावी है? तो किस निबंध में है व्यंग शैली? कवि और कविता में, लेखांजलि में, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे या फिर आत्मनिवेदन में? प्रश्न क्रमांक 557 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल का बताना है 2, 3, 4 या फिर 5, तो कितने भागों में प्रकाशित हुआ? आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 58 का, वो क्या हो जाएगा? बा, यानी कि 3। ठीक है, वी नंबर आपका यहां पर सही होगा। चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसकी रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसकी रचना है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 59 का। सभी लोगों ने उत्तर बताया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी नंबर। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? प्रश्न क्रमांक 560 नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है? अग्नि रथ, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी या फिर आम फिर बोरा गया गए? तो कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तो आम फिर बोरा गए, यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा भोज का सपना निबंध किसकी रचना है? राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवप्रसाद सितारे हिंद या प्रताप नारायण मिश्र? तो राजा भोज का सपना ये जो निबंध है वो किसका है? उत्तर हो जाएगा शिवप्रसाद सितारे हिंद, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही होगा। इन निबंधों में चंद्रदास शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? कछुआ धर्म, ठलुआ क्लब, पंचपात्र या फिर बुढ़ापा? तो प्रश्न क्रमांक 62 और आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा, कमेंट में सभी लोगों को लिखना है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों कछुआ धर्म। ठीक है, अगला है खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि व्यासवाड़ी या ब्रजभाषा के माधुरी की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्ल उत्तर युग? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भारतेंदु, बी नंबर। ठीक है, व्यासवाड़ी या ब्रजभाषा के माधुरी की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? तो भारतेंदु युग के। रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? मनोविकार संबंधी, विचारात्मक, साहित्यिक समीक्षा संबंधी या साहित्य सिद्धांत संबंधी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए, यानी कि मनोविकार संबंधी। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? 565 का उत्तर बताना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या राम वृक्ष बेनीपुरी का? तो अशोक के फूल ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञेय को, बेड़ो बनारसी, सरदार पूर्ण सिंह या विद्यानिवास मिश्र को? तो व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? वो मिली है विद्यानिवास मिश्र, यानी जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा, डी नंबर।
आत्मा ने पद निबंध संग्रह किसका है? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध याज्ञे। आत्मा ने पद निबंध संग्रह किसका है? उत्तर हो जाएगा अज्ञे का। इन निबंध संग्रहों में बालकृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है? निबंध नवगीत, लिखी कागद, कोरे साहित्य, सरोज या खुशामद। तो उत्तर होगा साहित्य सरोज, सी नंबर। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्धृत है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाबू गुलाबराय या रामचंद्र शुक्ल। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर। इनमें से कौन सा निबंध रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता या विचार प्रवाह। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विचार प्रवाह, डी नंबर। प्रिया नीलकंठी और रस आकेटक निबंध संग्रह में किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं? ठाकुर प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय या धर्मवीर भारती। उत्तर हो जाएगा कुबेरनाथ राय, सी नंबर। किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं? आस्था के चरण, प्रताप पीयूष, चलन या फिर मारेसी मोही कुठाओ। उत्तर होगा आस्था के चरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहां पर सही होगा। गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का है? 573 का आंसर बताना है। राम वृक्ष बैनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, उपेन्द्रनाथ दास। गेहूं और गुलाब ये जो निबंध है वो किसका है? राम वृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना निबंध की श्रेणी में आती है? तीसरा आदमी, ना आने वाला कल, मजदूरी और प्रेम, पृथ्वीराज की आंखें। तो कौन सी रचना है जो निबंध की श्रेणी में आती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मजदूरी और प्रेम, सा नंबर। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 575। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दूसरी परंपरा की खोज। किसकी है दूसरी परंपरा की खोज? नाम बारसे हैं, डी नंबर, ठीक है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? प्रश्न क्रमांक 576। कितने भागों में प्रकाशित है? उत्तर हो जाएगा तीन भागों में, ठीक है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? संयुक्त, स्वयंवर, नीरदेवी, परीक्षा गुरु, एकांतवासी, योगी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? संयोगिता स्वयंवर, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेर ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला? तो कौन सा निकाला? समालोचक, आलोचना, समकालीन साहित्य या फिर आनंद कादम्बिनी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा समालोचक। किसने निकाला? चंद्र शर्मा गुलेरी ने, जयपुर से। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है, शीर्षक निबंध किसका है? महादेवी वर्मा, निराला, अज्ञे या रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है, शीर्षक निबंध किसका है? तो ये निबंध है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जो डी नंबर है वो डी नंबर सही हो जाएगा यहां पर। इन आलोचकों में से किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? रामविलास शर्मा ने, मुक्तिबोध, अजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल ने। वो लिखी है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, सा नंबर।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? रश्मि मांसा, काव्य में रहस्यवाद, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार। उत्तर हो जाएगा काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, वह नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बिहारी, कविवर बिहारी और उनका योग, बिहारी की बाघ विभूति, मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिहारी और बाघ विभूति, सा नंबर। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या बाबू गुलाब राय? सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो रहा रामचंद्र शुक्ल जी, आ नंबर। पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया? व्याख्यात्मक, सैद्धांतिक, तुलनात्मक या समीक्षात्मक? तो पद्म सिंह शर्मा ने किया है तुलनात्मक, सा नंबर। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द किसकी पुस्तक है? चार विकल्पों में से एक का चयन करके उत्तर लिखेंगे आप और उत्तर हो जाएगा बच्चन से, सी नंबर। ये हिंदी आलोचना के बीच शब्द पुस्तक है बच्चन से की। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। हिंदी साहित्य की रोज जो आपकी क्लास होती है वो यथावत शाम को चलेगी। ठीक है, शाम को रात्रि 9 बजे चलेगी। ठीक है, और दोस्तों आपको इंस्टाग्राम से जुड़ना है, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया तो व्हाट्सएप से भी कोई डाउट अगर कहीं लगता है तो पूछ सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन, ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन और IAS स्टडी ट्रिप, आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों। इसी प्रकार से निरंतर बहुत सारी क्लासें आपको उपलब्ध करवा दी हैं और निरंतर ये सीरीज चल रही है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।